हेलो एवरीवन, आज की रेसिपी उज्ज्वला किचन में बहुत ही बढ़िया बनने वाली है। ऐसी रेसिपी जो कि आपको आज तक ना ही कोई बताया है ना ही कोई बताएगा। मैं आज आपको बताती हूँ कि बिना पानी डाले ऐड किए चिकन कुकर में कैसे बनाएं, वो रेसिपी लेके आई हूँ बिना पानी के ग्रेवी कैसे बनाना। तो चलिए रेसिपी को शुरू करते हैं, किस तरीके से बनाया जाता है पूरी वीडियो जरूर देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। सबसे पहले हम लेंगे 4-5 हम प्याज ले लेंगे। प्याज थोड़ी सी बड़ी बड़े स्लाइसेस में आपको कट करनी है। तो अभी प्याज इस तरीके से हमने लिया है। उसके बाद एक कटोरी हम दही डालेंगे। मेजरमेंट वाले कप से एक कप आप दही ले लीजिए और 2 चम्मच गरम मसाले इस तरीके से ऐड करके थोड़े से जीरा मरीच के पाउडर भी इसमें ऐड कर दें। और पूरे चिकन में अच्छे से कोटिंग करनी है। तो हल्दी आपको बहुत ही कम यूज करना है, ज़्यादा नहीं यूज करना है, आधी चम्मच लें। और हाथों की सहायता से ही आपको कोटिंग करनी है, क्योंकि चिमचे और प्लेट से या फिर किसी भी पलटे से आप करेंगे तो पूरे चिकन में कोटिंग नहीं होती है, बट कहीं कहीं हो जाती है, कहीं कहीं नहीं हो पाती है। आप देख सकते हैं कि बहुत रेसिपी जो अच्छे रेसिपियाँ होती हैं उनके रेसिपी में हाथों से ही कोटिंग की जाती है। तो इस तरीके से हाथों से कोटिंग करें तो पूरे चिकन में अच्छे से हो जाता है। और इसे 5-10 मिनट के लिए रखा जाता है, बट इसे 5-10 मिनट रखने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है आपको। बस इस तरीके से पूरी कोटिंग कर दें, बस 2 मिनट के लिए इसे ढक दें। ये 6-7 मिनट में चिकन बिल्कुल भी बढ़िया सा स्पाइसी सा बनके रेडी होगा। तो इस तरीके से ढक के रख दें एक साइड में। उसके बाद हम ले लेंगे कुकर। कुकर में डालेंगे सरसों का तेल। सरसों का तेल डालने के बाद हम हरी मिर्च, तेज़पत्ता, दालचीनी, चीनी का टुकड़ा इस तरीके से ऐड करके हल्का सा प्याज डालते हैं। अगर आपके पास लहसुन की कलियां हैं तो वो भी ऐड कर सकते हैं, बट इस तरीके से ऐड करने के बाद बहुत ही बढ़िया सा टेस्ट आता है। यकीन नहीं मानेंगे तो मेरी इस रेसिपी को एक बार जरूर ट्राई करिएगा, बहुत ही बढ़िया बनेगी। यकीन मानिए आपके पड़ोसी भी इसकी खुशबू सूंघ के आपके चिकन को खाने के लिए दौड़ेंगे। तो ये देखिए हमारी कोटिंग भी हो गई थी नीचे। हमने आधी प्याज हमने नीचे ऐड की और आधी प्याज अभी हमने बचा के रखी है, मतलब 3 प्याज हमने नीचे ऐड की, 3 प्याज ऊपर ऐड करेंगे। तो सबसे पहले प्याज थोड़ी सी ऐड करने के बाद चिकन को इस तरीके से ऐड कर देंगे जो हमने कोटिंग करके रखी हुई थी पूरी दही वगैरह में। तो इस तरीके से ऐड करने के बाद ऊपर से जो बची हुई प्याज है, ये वाले जो सिरे टाइप बच जाएंगे दही का, वो हमें इसमें नहीं ऐड करना है, वो हमें साइड से हटा देना है। उसके बाद जो बची हुई प्याज है उसे ऊपर से इस तरीके से ऐड करना है। बहुत ही ध्यान से आपको ये रेसिपी बनानी है, बहुत ही बढ़िया सा फ्लेवर लाती है। अब हम क्या करेंगे कि कुकर को इस तरीके से एक बार ढक्कन लगा के ऐसे कर देंगे। उसके बाद 1 सेकंड जब हो जाएंगे उसमें आधी चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च ऐड करेंगे। उसके बाद 2 चम्मच और गरम मसाले ऐड करके फिर उसके बाद हम आधी चम्मच हल्दी पाउडर इस समय ऐड करेंगे। आपको करना हो तो, नहीं तो नहीं कर सकते हैं। उसके बाद 2 टमाटर कट करके इस तरीके से खड़े ही ऐड कर देंगे तो भी गल के बहुत बढ़िया से परफेक्ट से बनते हैं। आप थोड़े बड़े ही शेप में कट कर सकते हैं या फिर खड़े भी ऐड कर सकते हैं, तब भी ये गल के वही प्रोसेस लाते हैं, क्योंकि इसमें नमक ऐड कर देते हैं ना। सबसे पहले आपको नमक ऐड करना जरूरी है, सारी चीज़ें ऐड करने के बाद आपको नमक ऐड करना बहुत ही ज़रूरी है। उसके बाद कलछिल बिल्कुल भी नहीं लगाना है, ना ही पलटे की जरूरत। सेम कुकर को इस तरीके से हिलाइए, एक बार हिलाने के बाद दूसरी बार इस तरीके से ढक दीजिए। ढकने के बाद लहसुन अदरक का पेस्ट अगर आपने बनाया है तो वो इस तरीके से ऐड कर दीजिए। ऐड करने के बाद भी आपको कलछिल पलटे की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। और पानी हमने देखिए 2 चम्मच पानी हमने ऐड किया है, बाकी अब पानी हम नहीं ऐड करेंगे, बिना पानी के ही हमें बनाना है, हमने बताया आपको सबसे पहले ही। और हमें कलछुल पलटे की ज़रूरत ही नहीं। कुकर को इस तरीके से हिला लेंगे, उसके बाद दोबारा से ढक देंगे। अब इसके बाद हमें सीटी लगानी है, तो अब हमारे देखिए अलग अलग से फ्लेवर आ गए हैं। तो आप कलछुल पलटे लगाएंगे, उसके बाद इस तरीके से एक बार बढ़िया से सारी चीजें मसाले वगैरह को मिक्स करेंगे, क्योंकि हमने इसमें जब अदरक लहसुन का पेस्ट पड़ता है ना तो ध्यान देके चलाना पड़ता है, क्योंकि अदरक लहसुन का पेस्ट पड़ते ही नीचे पकड़ने लगता है, तो वो ध्यान देना है आपको। अब हम इस पे लगा देंगे सीटी। तो सीटी कुकर में लगाने के बाद आपको 2 सीटी तक का इंतजार करना है, क्योंकि चिकन जो है क्रायलर मुर्गे जो होते हैं ये बहुत ही जल्दी परफेक्ट से बनते हैं। तो ये देखिए 2 सीटी आने के बाद हमने चिकन को खोला तो इसका कलर बिल्कुल भी चेंज और चिकन अच्छे से पक गए थे, बिल्कुल लग ही नहीं रहा था कि अब हमें लास्ट में पकाना पड़ेगा, लेकिन हमने 2-3 मिनट के लिए पकाया, क्योंकि इसके कलर अभी हमें थोड़ा सा डाउट हो रहा था कि पके नहीं होंगे। तो हमने इसमें सबसे पहले क्या किया, धनिया पत्ती ऐड कर दीजिए। धनिया पत्ती आपके पास अगर हो ना तो ढेर सारी भी ऐड कर देंगे तो भी इसका फ्लेवर वही आता है जो आप बनाना चाहते हैं, लेकिन ये वाले फ्लेवर में कुछ अलग ही टेस्ट आता है अगर आप ट्राई करके देखेंगे तो। नहीं तो फिर आपको नहीं समझ में आएगा कि यार कैसे बनाती हो। पूरी एक एक स्टेप को फॉलो करना आपको जरूर पड़ेगा। तो ये देखिए हमारे चिकन बिल्कुल भी बढ़िया से, अब हम दोबारा से आपको दिखाते हैं ढकने के बाद। तो ये चिकन का कलर देखिए बिल्कुल भी चेंज हो गया था।
अब इसमें आपको लग रहा हो कि मैंने इसमें पानी ऐड किया है, मैंने पानी बिल्कुल भी नहीं ऐड किया है। मैं बार बार आपसे बता रही हूँ कि एक बार इसे ट्राई करिएगा, बिना पानी का चिकन इसी तरीके का बनेगा जिस तरीके का मैं आपको दिखा रही हूँ। लास्ट में आपको चिकन करी का ये वाला मसाला मस्त सा मार्केट में मिल जाता है, 5 रुपए की पैकेट मिलेगी, 10 रुपए की भी पैकेट मिलती है, वो लास्ट में इस तरीके से ऐड करके ढक दें। ढकने के बाद 5 मिनट स्टीम होने के लिए रखें, गैस को कर देंगे बंद, 5 मिनट स्टीम होने के लिए रख दें। तब हमारे चिकन जब थोड़े से ठंडे होते हैं ना, इतना बढ़िया टेस्ट आता है कि मैं आपको बता नहीं सकती। मैंने हर रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर की है, बट ये वाली रेसिपी और एक चिकन की और भी रेसिपी है, पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अगली चिकन की रेसिपी अगर आपको चाहिए बढ़िया तो मैं वो भी लेके आऊँगी। तो मेरी रेसिपी को लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बाय बाय।